सबसे पहले इसमें ना ये x प्लस टू का होल क्यूब इक्वल है 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। इसके लिए देखिए a प्लस बी का होल क्यूब याद रखना पड़ेगा, सूत्र यहाँ लिख देते हैं। वैसे a प्लस बी का होल क्यूब याद है किसी को? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। इसको इस पर पहले ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, अब तोड़ने के बाद पता चलेगा ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। देखिए इसको पहले ब्रेक कीजिए, इसको ऐसे करेंगे x, देखिए इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो देखिए a और b इस फॉर्म में है, तो पहले a पर पावर तीन है, तो पहले x पर पावर तीन करेंगे, फिर प्लस दो पर पावर तीन करेंगे, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला पर यूज कर रहे हैं, फिर प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, इसका मतलब है x स्क्वायर और b का मान कितना टू, फिर प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, तो थ्री ए बी का स्क्वायर इक्वल, आप देखते जाइए यहाँ से, आप इसको भी तोड़ेंगे ब्रैकेट, इसको मिटा देते हैं, अब देखते जाइए इसको कहेगा टू एक्स क्यू हो जाएगा ठीक, अब फिर माइनस टू एक्स को पहले इससे गुना करेंगे, अब फिर इसको इससे गुना करेंगे, तो माइनस टू एक्स, आप देखते जाइए, यहाँ देखिए एक्स क्यू प्लस टू पर पावर थ्री का मान यानी कि आठ हो जाएगा, इसको क्या करेंगे आठ लिख देंगे ठीक, अब फिर प्लस दो दिया छः, अब एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अब देखिए दो का स्क्वायर चार, चार चार को तीन से गुना करेंगे तो बारह एक्स बराबर टू एक्स पर पावर तीन कर देंगे, फिर माइनस टू एक्स क्या करेंगे, अब इस सब को इधर ले आइए एक्स क्यूब, एक्स क्यूब वाला को भी यहाँ ले आइए माइनस टू एक्स क्यूब ठीक, अब देखिए प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर, अब फिर इसको यहाँ रहने दीजिए, फिर बारह एक्स लिख देते हैं, इसको यहाँ लाइए प्लस टू एक्स, फिर यहाँ प्लस आठ, मतलब इसको अरेंज कर दिए सजा दिए घात के आधार पर, देख लीजिए पहले पावर तीन वाला ठीक ना, फिर पावर दो वाला, पावर एक वाला, अब पावर जीरो वाला, यानी सब चर वाला को एक तरफ, अचर वाला को एक तरफ कर दिए हैं, यानी अचर वाला सिर्फ एक बचा हुआ आठ, आप देखिए टू एक्स क्यू माइनस में एक्स क्यू प्लस में हटा दें है, एक प्लस में एक माइनस में है, दोनों एक ही देखिए एक ही घात वाला है, यहाँ माइनस एक्स क्यू ना जाएगा, अब फिर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर, अब यहाँ देखिए ट्वेल्व एक्स अब प्लस टू एक्स फोर्टीन हो जाएगा, यानी कि चौदह एक्स हो जाएगा, फिर प्लस आठ, अब आप देखिए यहाँ द्विघात समीकरण का बताइए, द्विघात समीकरण का नियम है उसका व्यापक रूप देता है ए एक्स क्यू सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर जीरो के रूप का होना चाहिए, यहाँ देखिए पावर तीन में, जबकि अधिकतम घात रहना चाहिए दो, अधिकतम घात अगर दो रहेगा तभी आपको रहेगा द्विघात समीकरण में, इसका मतलब ये है कि नहीं बताइए, नहीं है द्विघात समीकरण नहीं है, लिख देंगे यहाँ समीकरण ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, समझ में आया, याद रखना मैंने ये फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि ये देखिए ए प्लस बी का होता है, हो सकता है ए माइनस बी का भी होल क्यू रह सकता है, उसमें भी वही बात रहेगा, एक ए माइनस बी का होल क्यू रहेगा तो उसका ए माइनस बी का होल क्यू वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी, इसका एक और फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, ऐसे ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, इसी को जब हटाया गया है तो ऐसे आया ठीक है ना, आपको जिस तरह से याद रहे, लेकिन याद रहे कि द्विघात समीकरण जब भी लाने के लिए बोलेगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के रूप का होना चाहिए, या तो अधिकतम घात कितना रहना चाहिए दो, बताए थे द्विघात समीकरण दो तरह का होता है, एक होता है शुद्ध द्विघात समीकरण, एक होता है अशुद्ध या उसी को मिश्रित बोलते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर जीरो, यानी कि इसमें बी जीरो रहता है, अशुद्ध का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये होता है, तो दोनों में से कोई भी याद गया तो समझिए द्विघात समीकरण है ठीक, अगर नहीं आया तो नहीं है।
ठीक, इसको अब आप लोग पहले उतार लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर जो है आपको दो में तीन चार प्रश्न है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ उसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। हल करने के लिए नहीं बोल रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करके छोड़ना है, यानी उसको निरूपित करना है द्विघात समीकरण। याद कीजिए दो चार वाला रैखिक समीकरण में भी बताई इस टाइप का प्रश्न, दो चार वाला रैखिक समीकरण में क्या कहता है, रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके छोड़ने के लिए कहता था, उसका कभी बीजगणितीय निरूपण और कभी आलेखीय निरूपण दोनों कह रहा था। तो इसमें भी सिर्फ जो है आपको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। पहला प्रश्न जो है करा कि एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल दे दिया 528 मीटर स्क्वायर, कंडीशन लगाया हुआ है क्षेत्रफल है तो कैसे है, बोला कि उस क्षेत्र का जो लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक ना, यानी कि जो आयताकार भूखंड है उसका लंबाई जो है उसके चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक। अब ध्यान रखिएगा इस टाइप का कोई भी प्रश्न हो तो इसमें पहले मानेंगे एक ही चर में मानना है, दो चर पर भी बनेगा लेकिन एक चर में मानने से क्या होगा आपको छोटा बनेगा, दो चर में दो कंडीशन में लाइएगा फिर दो समीकरण आएगा, दो समीकरण से मान किसी एक समीकरण से निकाल के दूसरा रखिएगा तब द्विघात समीकरण आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ ध्यान दें, यहाँ देखिए बोला कि लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। अब इसमें ध्यान के मान्य एक तरीका देखिए, जिससे दुगुना तीन गुना पाँच गुना दस गुना जो भी दिया रहेगा से अधिक से कम, जिससे अधिक जिससे कम दिया रहेगा पहले उसी को मानिए सुविधा रहता है। जैसे यहाँ बोल दिया कि लंबाई जो है चौराई के दुगुने से एक अधिक, किससे चौराई से, पहले चौराई को ही मान लेंगे एक्स, तब लंबाई हो जाएगा चौराई का दुगुना करके एक बढ़ा दें, मतलब चौराई अगर एक्स मानते हैं तो लंबाई हो जाएगा 2x, बढ़ाने के लिए करा तो प्लस से कर देंगे, अगर कम करने के लिए कहेगा तो माइनस, यानी कि वृद्धि होगा तो प्लस ह्रास होगा तो माइनस। अगर हम मान लेते हैं, माना कि आयताकार, पहला प्रश्न देखिए दो का एक है, माना कि आयताकार, देखिए आयताकार भूखंड की चौराई कितना मान लेते हैं एम से मीटर हो गया, और उसके बाद देखिए इसीलिए लंबाई, देखिए लंबाई बोला कि उस क्षेत्र के चौराई के दुगुने से एक अधिक, पहले दुगुना यानी कि इसमें दूसरे गुना आ एक अधिक है, अधिक में प्लस होता है, ये हो गया। आप देखिए प्रश्न बोला है कि इसका जो है आपको क्षेत्रफल भी दे दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल याद है तो रखिए होता है लंबाई अपने लंबाई में चौराई होता है, इसका मतलब आप प्रश्न से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर देंगे या हिंदी में प्रश्न से भी लिख सकते हैं। तो देखिए आयताकार भूखंड कैसे लिखते हैं, भूखंड का क्षेत्रफल है क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब लंबाई गुने चौराई होता है या चौराई गुने लंबाई कीजिए, x इंटू 2x प्लस 1 इक्वल 528 कर देंगे, इधर देखते रहिए, अब इसको गुना कीजिए, x को 2x कीजिएगा तो 2x स्क्वायर फिर प्लस x को एक से, ध्यान रखिएगा बाहर वाला को जब अंदर वाला से गुना कीजिएगा तो पहले इससे और फिर इससे दोनों के साथ गुना होता है, तो पहले इससे कीजिए 2x स्क्वायर प्लस x को एक से कीजिएगा तो x बराबर 528 लिख देंगे। अब आप देखिए इधर इसको इधर ले आइए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर, देख लीजिए द्विघात समीकरण के रूप में आया कि नहीं, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का आ ही जाएगा, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ देंगे, सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, इसको यहीं पर आंसर लगा दें। अगर मान निकालने के लिए बोलता तब इसको x का मान निकालते, लंबाई चौड़ाई खाता निकालने के लिए तब, सिर्फ इतना ज्ञात करना है, यानी कि ऊपर में लिख भी दिया कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, उतारिए इसको। दूसरा प्रश्न है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना 306, यानी कि दो क्रमागत समझता है किसको कहते हैं, लगातार एक है दो है तीन है, धनात्मक मतलब प्लस से बलाना ऋणात्मक नहीं, दो लगातार धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल पता नहीं है कि कौन कौन पूर्णांक, इसे मानना पड़ेगा
अगर दिया रहता कि दो कर्मागत अगर दे दिया कि तीन चार पाँच छः कुछ भी रहता, कर्मागत मतलब लगातार एक का अंतराल रहना चाहिए। तो पहले मान लेंगे एक्स, जैसे एक के बाद क्या होता है दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक कहते हैं पूर्णांक संख्या ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है और धनात्मक भी होता है। तो ध्यान रहे इसमें धनात्मक सिर्फ लिया जाएगा। अब देखिए धनात्मक में देखिए एक के बाद दो, दो के बाद तीन, यानी कि कर्मागत एक के बाद एक आ रहा है, यानी कि एक का अंतराल बढ़ते जा रहा है। अगर एक को एक्स मानेंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा, टू एक्स के सिवा दुगुना थोड़ी बढ़ता है, एक के बाद दो ये आता है और दो के बाद तीन, अगर दुगुना रहता तो तब दो के बाद चार आता डायरेक्ट। इसलिए यहाँ सिर्फ कह रहा है कि दो कर्मागत को एक एक बढ़ते जाता है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे करके बढ़। तो पहले मानेंगे, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना x, फिर देखिए दूसरी कर्मागत, दूसरी कर्मागत लिखना पड़ेगा, कर्मागत धनात्मक पूर्णांक बराबर, जो समझ मान जाएगा, दूसरी कर्मागत धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस वन। आपको पूछेगा x प्लस वन ने क्यों दिए, हाँ कर्मागत दिया हुआ लगातार। अब पूर्णांक संख्या देखिए, पूर्णांक संख्या प्लस माइनस सब होता है, जीरो भी होता है, प्लस माइनस एक, प्लस माइनस दो, प्लस माइनस तीन, ऐसे ये सब चलता है। अब लगातार है इसका मतलब एक धनात्मक है तो प्लस वाला एक दो तीन चार, आप देखते जाए इसमें, इसमें देखिए एक, एक में एक जोड़िएगा तो दो आएगा, फिर दो में तीन एक जोड़िएगा तब तीन आएगा, फिर तीन में फिर प्लस एक आएगा तब ना चार आएगा। इसी को कहते हैं कर्मागत, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। इसका मतलब अगर पता तो है नहीं कि कौन धनात्मक पूर्णांक लेना है, तो पहले अगर x माने हैं, मान लीजिए इसको x मान लीजिए, तो अगला अगर निकालना हो तो x प्लस वन, तो x माने हैं फिर x प्लस वन। अब देखिए इसमें प्रश्न बदल सकता है, आपको परीक्षा में कभी कभी ऐसा ही पूछेगा कि दो कर्मागत धनात्मक सम संख्या का गुणनफल, दो कर्मागत विषम संख्या, तो इसको भी देखिए आसानी से बना सकते हैं। अगर देखिए सम की बात करते हैं, दो, दो के बाद चार के बाद ऐसे चलता है, कर्मागत जब ये बोले तो पहले देखिए मानिएगा x, जब उसे पता नहीं कि ये तो उसको ज्ञात ही करना होता है, तो पहले x और देखिए इसमें कितने का अंतराल बढ़ रहा है, दो दो का अंतराल बढ़ता है, इसीलिए पहला x माने तो दूसरा कितना मानेगा x प्लस दो, और तीसरा कितना मानेगा बताओ तो x प्लस चार, x प्लस चार, क्यों पहला से ही निर्धारित होता है अगला। अगर पहला देखिए पहला में दो जोड़ेगा चार, पहला में चार जोड़ेगा तब छो आएगा ना, तो पहला अगर x मानिएगा तो दूसरा आ जाएगा x प्लस टू और तीसरा आ जाएगा x प्लस, अब विषम में भी इसी तरह चलेगा, कैसे एक तीन पाँच ऐसे सात ऐसे चलता है। अगर विषम को x मानिएगा तो दूसरा हो जाएगा x प्लस टू और तीसरा हो जाएगा x प्लस फोर, देखते ना एक में दो जोड़िए तीन और एक में फिर चार जोड़िए तो पाँच, तब ना मतलब सम विषम बराबर ही चलता है, खाली जो है सम रहेगा सम आंसर आएगा, विषम रहेगा तो विषम। आप देखिए कर्मागत मान समझ में आया तुम लोग को, आप देखिए प्रश्न से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या प्रश्न से हिंदी में लिख दीजिएगा, तो प्रश्न से बोला कि दोनों का गुणनफल 306 है, दोनों का गुणनफल मतलब कि x को फिर x प्लस वन से गुना करने के बाद किसके बराबर 306 के बराबर गुना कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर में 306। आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर जीरो, यही तो छोड़ना है आंसर। तीसरा क्वेश्चन करा कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक ना, और करा कि अब से 3 वर्ष बाद ना उसकी आयु का गुणनफल 360 वर्ष हो जाएगा, तब उसका वर्तमान आयु ज्ञात करना, खाली स्थिति लाना है, मतलब कि वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए समीकरण किस रूप का होगा वही ज्ञात करना। तो पहले देखिए क्या बताई थी, जिससे बड़ी, जिससे जिससे छोटा बड़ा, जिससे कम अधिक, जिससे गुना रहेगा उसको पहले मान लिया, सुविधा रहता है। रोहन की माँ रोहन से, यानी कि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ रोहन से 26 रोहन से ना बड़ी है, इसीलिए रोहन को ही पहले एक्स मान लिया क्या, तो पहले मान लेंगे, माना कि रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर कितना एक्स वर्ष। देखिए कोई भी चीज के ज्ञात करने के लिए पहले वर्तमान पता होना चाहिए, तब ना उसके पीछे आगे चलेंगे।
जैसे कि रोचर वाला में भी बता रहे थे आप लोग को, अगर पश्चात या बाद लिखा रहेगा तो उसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं घटाते हैं, जोड़ते हैं बाद में जोड़ना, आप पूर्व में घटाना। मतलब जैसे अभी 2022 का, 2022 से पहले की बात करेंगे, अगर 2016-15 तक घटाएंगे ना, पीछे चलने पर घटाते हैं, आगे चलने पर जोड़ते हैं, यानी कि जब ये बाद लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन में तो उसमें जोड़ दीजिए, आप पूर्व लिखा रहेगा तो हटा देंगे। अभी देखिए पहले वर्तमान आयु एक्स वर्ष मान लिए, आप देखिए रोहन की माँ, रोहन की माँ की माँ की वर्तमान आयु बराबर हो जाएगा एक्स, प्लस में 26। दो चर वाला भी बना सकते हैं, लेकिन यही है कि एक ही चर में अभी बना रहे हैं, द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में ही सिर्फ लाना है, दो चर पर भी बनाइएगा लेकिन उसको द्विघात में लाना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, आयु वर्तमान माने किसका, पहले रोहन का मानने के लिए आया तुम लोग, मानने के लिए क्या बताएंगे, पहले की जो है आपको जिससे बड़ा जिससे छोटा जिससे गुना इस रतन पहले उसको मानिएगा ना, तो आसान हो जाता है। रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, रोहन के वर्तमान आयु है एक्स, रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा एक्स प्लस 26। आप देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर भी चल सकते हैं, नहीं तो अगर अलग अलग निकाल के बाद में भी कर सकते हैं। बोला कि अब से 3 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से 3 वर्ष बाद, अब 22 अभी चल रहा है, 3 वर्ष आगे चलेगा तो 3 जोड़िएगा ना तब ना 25 वर्ष यानी 2025 आएगा। इसीलिए यहाँ देखिए अगर वर्तमान है एक्स, वर्तमान इसका ये मतलब समझिए 3 वर्ष बाद दोनों बढ़ जाएगा, जैसे कि मान लिए रोहन का भी मान लेते हैं कि 15 वर्ष है, और 3 वर्ष बाद कितना बढ़ जाएगा 18, तो रोहन के माँ की उम्र तो रुकल नहीं जाएगा, वो भी बढ़ेगा, इसीलिए जब बढ़ाया जाएगा तो दोनों को बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा तो यहाँ हम पहले लिख ही देते हैं, तो 3 वर्ष बाद ना, 3 वर्ष बाद रोहन, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, आयु बराबर कितना होगा बोलो, एक्स प्लस में 3, ये हो जाएगा। आ इसी में देखिए 3 वर्ष बाद रोहन की, रोहन की माँ, रोहन की माँ की आयु कितना हो जाएगा एक्स प्लस 26, वर्तमान में एक्स प्लस 26, और 3 जोड़ दीजिए, ठीक ना, ये हो जाएगा एक्स प्लस कितना 29 वर्ष। अब कह रहा कि 26, अब से 3 वर्ष बाद दोनों के आयु का गुणनफल 360, 3 वर्ष बाद का उम्र का गुणनफल सिद्ध करना है, 3 वर्ष बाद क्वेश्चन अगर चलिएगा, 3 वर्ष बाद रोहन का है एक्स प्लस 3 और इसका है एक्स प्लस 29 बराबर में 360। देखिए ये दोनों लाइन हम समझाने के लिए लिखे, आपका मन है अगर एग्जाम में लिखने के लिए ये दोनों नहीं भी लिखिएगा, डायरेक्ट यहाँ से कर देंगे एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 26 प्लस 3 बराबर में 360। पीछे भी दो चरण बताए थे, निकालने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ सिर्फ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न से लिख करके आप दोनों में 3-3 बढ़ा दीजिए, जोड़ दीजिए और गुणनफल करके बराबर में 360 कर दिए तो भी ठीक रहेगा। आप देखिए इसको गुना करने के लिए बताएं, पहले एक्स को इस दोनों से, यहाँ ध्यान देना जिसको गुना नहीं आता ध्यान से देखिए, एक्स को पहले इन दोनों से गुना करेंगे तो एक्स को पहले एक्स से कीजिएगा तो कितना, अब फिर एक्स को 29 से 29x, फिर प्लस 3x, अब फिर 3 को 29 को 3 से कीजिएगा तो 87 आ जाएगा 360। डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी आता है, ये देखिए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, अगर आपको गुना डायरेक्ट करना है इतना लंबा नहीं जाना है पहले चेक कर लीजिएगा, ये दोनों बराबर रहना चाहिए, ये दोनों बराबर जब ये रहते हैं वो एक्स कर लीजिए, 3 और 29 को जोड़ दीजिए 32 एक्स, फिर 29 दिन गुना कर सकता है, जैसे देखिए ए प्लस बी का मतलब यहाँ और यहाँ जोड़, लेकिन देखिए गुना ही, अब देखिए एक्स स्क्वायर हुआ 29 और 3 जोड़ दीजिए कितना 32 एक्स प्लस 87, इसको भी इधर कर लीजिए माइनस 360 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स, इसको घटाइए देखिए माइनस में आएगा, क्यों देखिए छोटा है और ये बड़ा है, अब बताइए घटाने की स्थिति में देख लीजिएगा बड़ा का चिन्ह लगता है, देखिए आप घटाइए यहाँ 0 में 7 तो घटेगा नहीं, 10 में 7 घटाइएगा 3 न, यहाँ कितना है 5, फिर यहाँ 7 हो जाएगा 15 में से हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 बराबर में 0, यहीं पर छोड़ देंगे आंसर हो गया, ठीक ना। क्वेश्चन और बचा हुआ चाल वाला,
दूरी चाल वाले दो चर वाले में भी बताए थे, उसमें याद रहना चाहिए जैसे दूरी का सूत्र, दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर ये तीनों याद रहेगा ना तो आपको आसानी से बना सकते हैं। कभी कभी समय से समीकरण को बराबर करना पड़ता है, कभी चाल से। तो आप चाल निकालना है तो चाल के अनुसार मानेंगे, समय मांगेगा या दूरी मांगेगा तो उस अनुसार से बनाएंगे, ठीक ना। अब आगे एक बचा हुआ है उसको कल बनाएंगे, ठीक ना। तुम लोग को अगर समझ नहीं आवे तो YouTube पर जाकर एक बार।